अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं करना कि मध्य प्रदेश के वायरस को खुद राजस्थान लेके आए, कोई कांग्रेस के 25 से 30 विधायक सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, भयंकर असंतोष है, कब कौन किसी, लेकिन कांग्रेस बिखरेगी, उनके घर में फूट अपने घर को नहीं संभाल। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। इसमें कांग्रेस का क्रिएटिव है, उनके घर में फूट अपने घर को नहीं संभाल पाए, इस कारण से उनके लोग निकले और उस फूट के कारण ही आज मध्य प्रदेश की सरकार जाने की कगार पर खड़ी है। हम चाहेंगे कि 16 तारीख को पार्टी ने कहा भी है कि जब उनका सत्र शुरू हो तो पहले उसमें विश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी लेके आए, वो पारित होता है तब आगे की कार्रवाई करने की बात करें। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं करना कि मध्य प्रदेश के वायरस को खुद राजस्थान लेके आए, इसलिए वायरस फैलेगा आदमी, ये तो मुझे लगता है कि राज्यसभा के चुनाव में ही जो परिणाम आएंगे उसमें ही कांग्रेस में खलबलाहट मचेगी बुरी तरह। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम संभावनाओं को तलाश रहे हैं। आज कांग्रेस के अंदर जो असंतोष है, उस असंतोष में से ही हमारे दूसरे प्रत्याशी को जिताने की बात, निकालने की बात, आज भी हम कह सकते हैं लगभग कोई कांग्रेस के 25 से 30 विधायक सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, भयंकर असंतोष है, कब कौन किस स्थिति में, और बाकी दलों में निर्दलीयों में, उसमें भी चाहे वो किसी कारण से उस समय गए होंगे इस प्रेजेंट कांग्रेस सरकार के साथ, लेकिन कार्यशैली, कार्य पद्धति और उनके काम नहीं होना और अपनी जनता से आँख नहीं मिला पाने के कारण आज वो पूरी तरह से मोह भंग हुआ है और विकल्प की तलाश में लगे हुए हैं। तो होली पे मध्य प्रदेश दिवाली तक क्या माने, कुछ और हो सकता है? मैं समय सीमा नहीं, तो कांग्रेस अपने घर को संभाले, हमने कुछ नहीं किया, ये तो रंग उन्होंने अपना बिखेरने का काम किया, रंग जब बिखर रहा था तो निश्चित रूप से हमें तो उसको संभालने का काम करना था, हमने वो काम। आतिशबाजी सही होगी? आतिशबाजी तो हम दिवाली कैसी भी स्थिति में अच्छी होती है, लेकिन ये मैंने कहा कि कांग्रेस संभाले, भारतीय जनता पार्टी किसी भी टूट फूट में हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन कांग्रेस बिखरेगी तो उसकी जिम्मेदारी उनकी और उसका जो कुछ भी हम लाभ ले सकते हैं उसका प्रयास हम करेंगे। देखिए देश भर में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के द्वारा जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, एक ऐतिहासिक बजट है जिसमें समाज के सब वर्गों के जहाँ विकास की योजना परिलक्षित है, उसमें ओवरऑल पूरे देश का, जहाँ लद्दाख से लेकर की चर्चा भी इसमें है और बाकी सब देश का सामाजिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से विकास का एक कई ब्लूप्रिंट इसमें बजट में दिखता है। हम आधारभूत ढांचे का इसमें विकास इसमें है, किस प्रकार से नई आने वाले समय की चुनौतियां जो हो सकती हैं, चाहे किसान का होगा, युवा का होगा, व्यापारियों का, उन सब विषयों को इसमें समावेश करने का किया है। कॉमन जो देश का मतदाता है या करदाता है, उसको भी लंबे समय से उसकी मांग थी कि हमारे कर को रैशनलाइज किया जाए, तर्कसंगत बनाया जाए, उस विषय को भी इस बजट में कहीं समाविष्ट करने का प्रयास जो किया गया है। इन सब विषयों को लेकर के नीचे तक जाएं और कोई जन चर्चा लोगों के बीच में उसके हाईलाइट्स को बताएं और उनके विषयों को समाधान करने का, इस दृष्टि से बजट के ऊपर परिचर्चा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में रखा है और उसी के निमित्त आज राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम अजमेर में आयोजित है बजट के ऊपर सारी चर्चा को लेकर। देखिए सामान्य रूप से हमने समाज के सब लोगों को यहाँ की इकाई ने बुलाया है, अब कौन कौन उसमें व्यापारी, सब अलग अलग क्षेत्रों के लोग होंगे और उन सब के बीच में अपने विषय को हम रखेंगे, किसी को कोई प्रश्न करी होगी तो उसको भी हम समाधान करने का प्रयास करें। राजस्थान सरकार की बात करें तो डेट्स है, क्या मानते हैं, किस तरह का कार्यकाल है और बीजेपी क्या? राजस्थान सरकार का भी कल बजट सत्र पूरा हुआ है और बजट सत्र का पिछले बजट से इस बजट का देखें तो उन्होंने अपने बजट की पुरानी घोषणाओं का 36% भी पूरा नहीं कर पाए। रोजगार की बात थी कि हम इतना देंगे, उसमें भी लगभग कोई 46% ही कुछ रोजगार वो दे पाए सारे निकाल करके। आधारभूत ढांचा और जितनी भी चीज़ें थी जिन जिनके ऊपर उन्होंने घोषणा की थी, वो कोई भी आज जमीन पर आने की स्थिति भी नहीं है और उसकी फाइल भी आगे बढ़ने की स्थिति नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, महिला उत्पीड़न के लगभग एक वर्ष में देखें तो लगभग कोई 64% मामले बढ़े हैं, दलित उत्पीड़न के लगभग 56% के आसपास मामलों की बढ़ोतरी हुई है लगातार, और किसी के ऊपर रोजाना ऐसा लगता है कि कोई ना कोई नई घटना होती है और सरकार केवल कुछ अधिकारियों को हटा करके इतनी सी मान लेती है कि हमने अपनी कार्रवाई की पूर्ति की है। ये ध्यान में आता है कि पूरा कानून व्यवस्था का ये गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है और मुख्यमंत्री जी अपने खुद की जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाए, आर्थिक व्यवस्था की पूरी व्यवस्था नहीं, हालत ये है कि कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर नहीं मिल रही, केंद्र सरकार ने दूसरी DA की किस्त कल घोषित कर दी, 1 अक्टूबर में की थी
और दूसरी आप किया उन्होंने मार्च में, इसको जनवरी से लागू होगी। दोनों ही किस्तें देने की स्थिति में राजस्थान की सरकार नहीं है। पुरानी परंपरा रही है कि जिस दिन केंद्र करता है उसके अगले दिन राजस्थान की सरकार उसकी घोषणा कर देती है, तो उस दिन शाम को करती है अगले दिन, लेकिन दोनों की घोषणा नहीं कर पाए। हालत यह है कि शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, बातें समय आपने आयुष्मान भारत को लागू नहीं कर पा रहे, लेकिन भामाशाह स्वास्थ्य बीमा को आपने रोक दिया। आप कहते हो मुफ्त दवा योजना, मुफ्त दवा की हालत यह है कि स्वाइन फ्लू तक के टेस्ट जिसके लोग जाते थे अपने पास, उस तक की कीमत दिए जाती है जो पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार में जिनको निःशुल्क करने की बात की थी। डॉक्टर्स की अपन आज तक नियुक्ति नहीं कर पाए, नर्सिंग स्टाफ है नहीं, टीचर्स की व्यवस्था नहीं है, नए कॉलेजों की घोषणा कर रहे हो लेकिन कहीं भी आज भी लेक्चरर्स की स्थिति वहाँ है नहीं, तो किस बात के कॉलेज चलेंगे निकल कर। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि किसान की हालत यह है कि किसान अभी इतनी भयंकर ओलावृष्टि हुई है। मुझे ध्यान है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय 2015 में इसी प्रकार की भयंकर ओलावृष्टि हुई थी, विधानसभा का सत्र चल रहा था, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत 3 दिन के लिए विधानसभा के सत्र को स्थगित किया और करके सबको कहा कि एक बार वहाँ जाइए और उसके बाद वापस आकर के उनके सबकी रिपोर्ट ली। रिपोर्ट लेने के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आपदा राहत कोष जो बना हुआ था उसमें ड्रास्टिक चेंज कराने की बात की, जो पहले 50% के खराबे के ऊपर पैसा दिया जाता था उसको कम करके 33% किया। मकान का नुकसान होगा, कई बकरी का नुकसान होगा, भैंस का होगा, इन सब चीज़ों की जो कीमत आपदा राहत में मिलती थी उन सब में लगभग 20% से लेकर 70% तक की बढ़ोतरी उस समय की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राजस्थान सरकार के इनिशिएशन पर करने की बात की। आज किसानों को आपने बेरोजगारी भत्ते की बात की थी वो नहीं दे पा रहे, किसानों को ऋण माफ़ करने की बात वो नहीं दे पा रहे, उनका नुकसान होता है उसके नहीं, फसल बीमा की किस्त आप जमा नहीं करा पा रहे। तो सरकार एक तरह से लगता है कि अनियंत्रण की स्थिति में है। अब तो खुद का पर्यटन और जो पर्यटन के लिए आ रहे हैं राजस्थान में उनको हम राजस्थान घुमा सकें इसकी योजना तक सीमित है। मूल विषयों से भटक करके कैसे हम पिछली सरकार पर आरोप या लोगों पर आरोप लगा करके बचने का प्रयास करें।